दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आज के दिन UGC ग्रांट कमीशन ने जो है 24 यूनिवर्सिटीज़ को क्या है, फेक घोषित किया है। अभी ये वाला जो पब्लिक नोटिस है वो UGC के साइट पे नहीं आया है, बट होपफुली शाम तक या कल मॉर्निंग तक क्या है, ये अपडेट भी हो जाएगा कि भाई 24 यूनिवर्सिटी जो है वो UGC ने क्या है अपने बिहाफ पर या अपने रूल और रेगुलेशन के हिसाब से उनको क्या है फेक घोषित किया है। अब गाइस, समझने वाली बात ये है कि देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी फेक कैसे हो जाती है और UGC उस यूनिवर्सिटी को फेक कैसे घोषित करता है, ये वाला जानना सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं गाइस थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसकी नॉलेज होनी भी चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस बॉडी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कुछ भी है, वो सारी की सारी जब तक UGC से मान्यता प्राप्त नहीं करती, जब तक उन यूनिवर्सिटीज़ पर कोई भी क्या है स्टैंप नहीं लग पाती कि भाई ये क्या है एक यूनिवर्सिटी है। और कोई भी यूनिवर्सिटी होती है किसी भी स्टेट की, तो वहाँ का जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है, वहाँ का उन विधानसभा से वो सारी यूनिवर्सिटी क्या पास आउट करानी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी बनाना क्या है बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और उसको बंद करना भी क्या है बहुत मुश्किल टास्क है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पर ये समझने की है कि कोई भी यूनिवर्सिटी फेक कैसे हो जाती है। देखिए गाइज, आपको पता है कि UGC ग्रांट कमीशन पूरे देश के अंदर, जितने भी हमारे देश के अंदर, चाहे वो प्राइवेट है, सेंट्रल है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी पर क्या है वो अपनी कमांड रखती है, और हर यूनिवर्सिटी को क्या है UGC का जो रूल और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा या बहुत सारे कमेंट्स या बहुत सारी कंप्लेंट्स क्या है किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, किसी कॉलेज के लिए या किसी यूनिवर्सिटी के लिए अगर जाती हैं और वो उनको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो वहाँ पर UGC के पास एज पर द लॉ, ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द UGC, वो उन यूनिवर्सिटीज़ को क्या है ब्लैक लिस्ट घोषित कर सकता है। तो कहने का गाइस मतलब ये है कि इनके अलग अलग एक स्नैरियो होते हैं, एक अलग अलग सिस्टम होते हैं कि उन यूनिवर्सिटी को क्या है वो फेक घोषित कर देता है। अब देखिए, अभी ये जो मैटर जो है वो कोर्ट में चल रहा है, बट UGC ने अपने हिसाब से इस बात को पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले वक्त के अंदर बच्चे इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या है एडमिशन ना लें। अगर वो एडमिशन लेते हैं, कल नए कोर्ट में सारी चीज़ फाइनलाइज हो जाती हैं और ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए UGC टाइम टू टाइम इस प्रकार का जो नोटिफिकेशन है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो निकालती रहती है। तो गाइज, अभी हम लोग देखेंगे, अभी जो है यूनिवर्सिटी एक न्यूज़ आई है कि भाई 24 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि 24 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, वो क्या है उनको फेक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, 24 यूनिवर्सिटी हैं, UGC के साइट पे भी धीरे धीरे आ जाएगा कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिनको फेक घोषित किया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। तो गाइस, द हायर एजुकेशन जो है UGC, उसने ये चीज़ क्या है घोषित की है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई एक्ट के हिसाब से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है इसमें मेंशन है, आप मैं उनके नाम भी धीरे धीरे आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस देखिए, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय है, वाराणसी महिला ग्राम विद्यापीठ है, अलाहाबाद गांधी यूनिवर्सिटीज़ है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। दिल्ली हैज 7 सच ए फेक यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है, वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, ADR सेंट्रल जुडिशियल यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियर, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अध्यामित विश्वविद्यालय स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो गाइज, ये इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज़ की जो सारी की सारी जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी गई है, ये अलग अलग स्टेट की है, दिल्ली की है। तो यहाँ पर आप जाकर इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो जल्द आपके पास आ जाएगा,
और आप एडमिशन लेने से पहले प्लीज इन यूनिवर्सिटी को वेरीफाई किया करो कि ये यूनिवर्सिटी कहीं फेक तो नहीं है। तो ये जो अभी खबर जो आ रही है, ये जो ऑफिशियल इसका नोटिस है, ये शाम तक या कल तक क्या है यूजीसी की जो ऑफिशियल साइट है वहां भी क्या है ये अपलोड हो जाएगा। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि अब ये बच्चे, यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि जो बच्चे इन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उनकी डिग्री वैलिड रहेगी या इनवैलिड रहेगी। देखिए गाइस, अगर कोई भी बच्चा अपना फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का कुछ भी पढ़ाई से कर रहा है, जिस भी बच्चे ने एक बार इसमें एनरोलमेंट ले लिया, जब तक उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता वो डिग्री उसकी हमेशा के लिए वैलिड रहती है। आगे का जो सेशन है, जैसे 2021 से 22 का जो सेशन रहेगा, ठीक है, वो क्या है वहां पर कोई एडमिशन है, पहली बात तो ये यूनिवर्सिटी अभी एडमिशन ऑफर नहीं कर सकती एज पर द यूजीसी गाइडलाइन। अगर बाय चांस चोरी छुपे कोई एडमिशन करा भी लेता है या एडमिशन हो भी जाता है, तो वहां पर जब आप अपनी कहीं जॉब के लिए कहीं कहीं जाएंगे, तो जब आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन होती है तो वहां पर क्या है आपको क्या है नॉट एलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा कि भाई ये वाला एक पब्लिक नोटिस यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ने निकाला था कि ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी है वो फेक है, यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं लेना है। अगर फिर भी नहीं मानोगे तो डेफिनेटली आप उसके लिए नॉट एलिजिबल हो जाओगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमारा मकसद क्या है, आप लोगों को अवेयरनेस देना है, ताकि ये छोटी छोटी जानकारी या ये इस प्रकार की जो अवेयरनेस है वो आप लोगों के बीच में चली जाए, ताकि आप थोड़ा बहुत नॉलेज, जितना भी आपको मिल सके वो नॉलेज आपके पास हो, और जब कभी आपका परिवार का या कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी बंदा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसका इस प्रकार का नोटिस अगर आ जाता है तो हम लोगों को डेफिनेटली एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो गाइज, मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि भाई जब भी आप कहीं भी एडमिशन लेते हो या अपनी किसी स्टडी को कंटिन्यू करते हो, तो प्लीज़ इस प्रकार की चीज़ को यूजीसी की ऑफिशियल साइट पे जाके www.ugc.ac.in पे जाके उसको वेरीफाई करने की कोशिश किया करो। वहीं से क्या है सारा डिटेल या सारी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी भाई कौन सी फेक यूनिवर्सिटीज़ है, कौन सी फेक यूनिवर्सिटी नहीं है। क्योंकि यूजीसी की साइट पर अगर आप जाएंगे ना, तो हर स्टेट की प्राइवेट, सेंट्रल, जो भी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो फेक यूनिवर्सिटी है, उन सब की लिस्ट क्या है यूजीसी की साइट पर क्या है अवेलेबल रहती है। तो जब कभी फ्यूचर के अंदर आप कोई भी एडमिशन लेते हो तो एक बार यूजीसी की साइट पर जाके जरूर विजिट किया करो कि ये यूनिवर्सिटी कहीं फेक तो नहीं है या ये यूनिवर्सिटी के पास परमिशन है या नहीं है, तो वो सारी डिटेल आपको यूजीसी की साइट पर मिल जाएगी। तो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन मुस्कुराते रहना गाइस, थैंक यू सो much